हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जावेद हबीब की हिना मेहंदी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इस तरह के पैकेजिंग में आती है। आप देख सकते हो इतना इसका जो है पैकेजिंग है, और इतना इसका ये इस तरह का डब्बा आता है। और ये जावेद हबीब, उनकी यहाँ पे जो है फोटो भी लगाई गई है। जावेद हबीब के बारे में काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं भी जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ, जावेद हबीब एक बहुत बड़े हेयर ड्रेसर हैं, जो कि बॉलीवुड स्टार्स की हेयर ड्रेसिंग करते हैं। उनके पापा भी जो है बहुत बड़े हेयर ड्रेसर थे। तो अगर आप उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये स्पेशलिस्ट है फॉर स्मूथनिंग के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको यूज कर सकते हो। और जो है इन्होंने हीना मेहंदी के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया है। हीना मेहंदी के बारे में तो सब जानते ही हैं। काफी दिन पहले जो है मैंने हीना मेहंदी की पील ऑफ मेहंदी के बारे में भी रिव्यू दिया था, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे, और उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये है जावेद हबीब की हीना मेहंदी, यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, जावेद हबीब। आप इसको आराम से अपने बालों में यूज कर सकते हो। अगर आपकी छोटी बेटी है, छोटा लड़का है, 15 से 16 साल उसकी उम्र है और उसके बाल सफेद हो गए हैं, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों के भी आजकल सफेद बाल हो जाते हैं, तो उन पे भी आप ये आराम से यूज कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है। और मेहंदी को लगाने का सही तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है बहुत ही अच्छी मेहंदी। आप नॉर्मल जो है हीना मेहंदी भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये उससे बेटर है। बेटर होने का कारण मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर है हीना पाउडर, आंवला पाउडर, सिकाकाई पाउडर, भृंगराज पाउडर और ब्राह्मी पाउडर और जटामासी पाउडर। इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, आपके हेयर स्ट्रेंथ के लिए, आपके हेयर स्मूथनिंग के लिए कितने अच्छे होते हैं ये वाले जो चीज़ें होती हैं, आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह की है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये सील पैक आती है। थोड़ा सा प्रोडक्ट ऊपर लग गया है, लेकिन ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है और बहुत ही अच्छी है ये मेहंदी। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, अभी तक इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है। तो आप देख सकते हो इसकी जो है नेट वेट, मैं आपको बताती हूँ, इसका नेट वेट 200 ग्राम है, ये आप देख सकते हो। तो कम से कम 3 से 4 बार आराम से आपकी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 या 2 बार लगेगी, आराम से 3 से 4 बार लग जाएगी। तो इसका जो है मैन्युफैक्चर डेट मैं आपको बताती हूँ, इसकी मैन्युफैक्चर डेट 2080 से लेकर 2021 तक है। आप इसको आराम से जो है 3 से 4 साल स्टोरेज करके रख सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो यहाँ लिखा गया है, तो इसका प्राइस है 180 रुपीज़। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। आपने पहले देखा होगा कि पहले के लोग अपने बालों में मेहंदी ही यूज करते थे, तो उनके बाल जो है डैमेज नहीं होते थे। तो बहुत अच्छी होती है मेहंदी आपके सिर में लगाने के लिए, आप इसको यूज कर सकते हो। काफी बार जो है मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, तो जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ इससे और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट, जो नॉर्मल मेहंदी होती है उससे ज्यादा इफेक्ट करता है ये वाला प्रोडक्ट। मैंने जो है अभी भी इसको यूज कर रखा है, तो आप देख सकते हो कितने शाइनी मेरे बाल हो गए हैं, कितने शाइन हो रही है। तो आप देख सकते हो, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया था, आप देख सकते हो कितना शाइनी है। और उसका भी जो है मैं आपको डेमो दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको यूज़ किया था और मेहंदी लगाने का सही तरीका क्या है। तो बहुत अच्छा है आपकी हेयर स्मूथनिंग के लिए, आपके व्हाइट हेयर को जो है ब्राउन कर देता है, और हाइलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपके ऑयली हेयर है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बाल को कंडीशन करता है। तो आप इस तरह के हीना पाउडर को यूज़ कर सकते हो। और इतने बड़े नामचीन आदमी के साथ ही इसका नाम जुड़ा हुआ है, तो कुछ अच्छी बात ही होगी, इसीलिए इस प्रोडक्ट को इतना लोग पसंद कर रहे हैं आजकल। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, इसका डेमो दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना। देख लेते हैं इसका डेमो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इसमें आपको बता देती हूँ आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो पहले बीच में से आपको सेक्शन लेना है और इस तरह से मेहंदी लगाने के बाद अप्लाई करना है और राउंड करके इसको इस तरह से स्टिक करना है। और बाद में एक सेक्शन लेना है एक साइड से और दूसरा सेक्शन लेना है दूसरे साइड से, और राउंड करके इस तरह से इसको स्टिक कर लेना और एक बड़े साइज़ का जोड़ा बन जाएगा। अभी ये बन थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, अच्छे से बना हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छी शेप ले लेगा और आपके सारे बालों को स्टिक कर देगा। आपको बालों का एक सेक्शन लेना है और उसके नीचे की साइड इस तरह से मेहंदी लगानी है, और जब आप उसको बन का शेप देंगी तो उसके दूसरी साइड अपने आप ही मेहंदी लग जाएगी और बाद में ऊपर से भी आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। आप देख रहे हो मेरा कितना ज़्यादा सीरियस फेस लग रहा है, पता नहीं क्यों इतनी सीरियस हो जाती हूँ मैं। कुछ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ मेरे पास मिरर नहीं था, मैं कैमरे के अंदर ही देख के इस तरह से अप्लाई कर रही थी, इस वजह से भी जो है बन अच्छे से नहीं बन पा रहा था।
लेकिन बाद में इसने सही शेप ले ली थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यार, बहुत ही ज़्यादा पसीना आया हुआ था और बड़ी परेशानी हो रही थी इससे हम शूटिंग करने में। तो आप देख रहे हो ये बन अब इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे कोई कश्मीरी लड़की होती है और वो कैप पहनती है, कश्मीरी लोग जिस तरह की कैप पहनते हैं उस तरह का बन लग रहा है। तो मैं फटाफट से इसको अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से मेहंदी लगाने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आप इस तरह से बन बनाते हो तो आपको क्लचर की ज़रूरत नहीं होती है एक जुड़ा बनाने के लिए। और आप जब भी इस तरह से मेहंदी लगाते हो तो आपने जो भी कपड़े पहन रखे होते हैं, टी शर्ट पहन रखी होती है या फिर सूट पहन रखा था, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, मैसे नहीं होता है। तो आप इस तरह से बन बना के और ऊपर की तरफ स्टिक कर लेते हो और आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि आप एक एक पकड़ते हो और ऊपर स्टिक कर लेते हो। अगर आप उस तरह से मेहंदी लगाते हो, दूसरी तरह से मेहंदी लगाते हो, तो आप नीचे की साइड मेहंदी लगाते हो और सारे कपड़े भी मैसी हो जाते हैं और ठीक से लग भी नहीं पाती है मेहंदी। तो फ्रेंड्स जब भी आप मेहंदी लगाओ तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर एक बार आप इस तरह से बन बना के देखना, बहुत ही अच्छी तरह से मेहंदी लग जाती है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो आधे बालों में मेहंदी लग गई है, ऊपर की तरफ स्टिक हो गए हैं, थोड़े से नीचे के बाल रह गए हैं और थोड़े से आगे के बाल रह गए हैं। इनमें भी मैं अप्लाई कर लूँगी पूरी मेहंदी को। और मेहंदी लगाते लगाते मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। बहुत मेहनत लगती है यार, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन जब भी हम इसको एडिट करते हैं तो ये 5 से 6 मिनट की ही जो है बन पाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे जो है और ज़्यादा हिम्मत मिले और ज़्यादा मेरा मन करे इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो अब ये जो है नीचे के 4 या 5 बाल रह गए हैं, इनमें भी मैं अच्छी तरह से अप्लाई करती हूँ। आप देख रहे हो मैंने इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा आगे नहीं लगाया क्योंकि आगे लगाती तो मेरे फेस पे रंग छोड़ देती है और बाद में इसको मैं अपने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। अगर आपको मेरा ये रिव्यू प्लस डेमो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।